टॉर्क की प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम अभी होगी नहीं, अभी हमने करना है। सेकंड प्रॉब्लम से करेंगे, फर्स्ट छोड़ सकते हैं अभी। सेकंड प्रॉब्लम है, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सॉलिड डिस्क जिसका मास और रेडियस दोनों पता है। तो आए तो निकाल ही लोगे डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर से। फ्रॉम 0 to 120 RPM, RPM क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो टॉर्क निकालना है घुमाने का, तो टॉर्क होता क्या है? आई अल्फा। आई डिस्क आपको पता है हाफ एम आर स्क्वायर, आपको क्या निकालना है? सिर्फ अल्फा। अल्फा निकालने के लिए ये डिस्क रेस्ट से स्टार्ट हुई, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम है, 60 से डिवाइड करके आरपीएस, और फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है और टाइम पता है 8। यहाँ से क्या आ गया? अल्फा। टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। तो आई और अल्फा को मल्टीप्लाई करके टॉर्क आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आधा क्वेश्चन रोटेशनल काइनेमेटिक्स का है, आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तब जाके टॉर्क आई अल्फा लगेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये शीट गिवन है, जैसे आपको क्या निकालना है? इसमें फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। ध्यान आ गए, फोर्स इसमें कितनी लग रही है? 100 न्यूटन फोर्स लग रही है। क्वेश्चन है कि जो 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, 100 न्यूटन जो फोर्स लग रही है जिससे कि ये रोटेट करेगा पूरा सिस्टम, एक बार उसकी रोटेशन होनी चाहिए कॉर्नर ए से ए को एक्सिस मानते हुए, और एक बार बी को एक्सिस मानते हुए टॉर्क निकालना है आपको। आपको टॉर्क निकालना है जब एक्सिस ए है और जब एक्सिस बी है। क्लियर है यहां तक? जब एक्सिस ए है, ध्यान आगे, जब एक्सिस ए है टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या लेंगे? 0.75। सोचो अगर मैं नेल लगा के, की लगा के इसको हिंज कर दूं और ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये पूरा फ्रेम कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। लेकिन अगर मैं एक्सिस ये लूं, बी लूं, तो टॉर्क क्या आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कीजिएगा 1.25, और लेकिन ये इसे कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसलिए दो दो टॉर्क आएंगे इसमें, पहला टॉर्क जो आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्या आएगा? क्लॉकवाइज। यहां से आपने मार्किंग करनी है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इसमें? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है, ठीक। व्हाट इज द टॉर्क जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आर भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है? जब दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हमने टॉर्क सीखा था, टॉर्क वेक्टर होता है और टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आपको आर वेक्टर के कोफिशिएंट्स पता है 3 - 2 - 3, एफ वेक्टर के कोफिशिएंट्स पता है 2 - 3 and 4। आपने क्या लेना है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट। हमने वेक्टर किया था, क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना आता है, तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर आएगा, ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज। लॉज ऑफ मोशन में रिटार्डिंग फोर्स होती थी, चलती हुई बॉडी मेरी तरफ आ रही है, मैंने उल्टी फोर्स लगाई, रिटार्डिंग फोर्स है। ऐसी एक क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही थी, क्लॉकवाइज घूम रही है, पर मैंने फोर्स उल्टी लगाई तो उल्टा टॉर्क जनरेट किया, उसको रिटार्डिंग टॉर्क बोलते हैं, ताकि बॉडी रुक जाए। तो अब इस केस में वो क्या कह रहे हैं? एक रिंग है और डिस्क है, मासेस डिफरेंट है और रोटेटिंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इफ वी अप्लाई रिटार्डिंग टॉर्क टाउ, रोकने का टॉर्क लगा रहे हैं ताकि रिंग और रिंग रुक जाए। रिंग रुक गई, उसमें कितने चक्कर काटे रुकते हुए? n रेवोल्यूशंस। तो बोलो डिस्क कितने चक्कर काटेगी? ये क्वेश्चन है, कितने रेवोल्यूशंस। ये टॉपिक हमने नेक्स्ट टाइम करना है, हालांकि ये टॉपिक भी पहले डल गया क्वेश्चन में, हाँ, पर हम इसको कर सकते हैं वर्क एनर्जी पार की हेल्प से। वर्क एनर्जी पार में क्या किया था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसके अंदर भी सेम है कि हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे बॉडी को रोकने के लिए, और वो क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है,
क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों बॉडीज की सेम है और फाइनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो, तो चेंज दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। वैसे वर्क डन का फॉर्मूला लीनियर मोशन में क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर फोर्स की जगह टॉर्क, एक्स की जगह टॉर्क इनटू थीटा इज अ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में वो कह रहे रिटार्डिंग टॉर्क दोनों में सेम अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क भी सेम है तो थीटा कवर्ड भी दोनों में सेम है। जब वो एंगल थीटा सेम कवर कर रहा है तो जैसे एक चक्कर अगर मान लो कोई बॉडी काटे तो सेंटर पे एंगल कवर कितना होता है, 2π, अगर दो चक्कर काटे तो 2π × 2 और अगर n चक्कर काटे तो ये आपका एंगल हो जाएगा। तो एंगल और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में क्या लेना देना होता है, 2πr, 2π यानी कि एक एंगल है, एक चक्कर का एंगल है और n चक्कर है, n रेवोल्यूशंस है तो थीटा एंगल आ जाएगा। भाई जब थीटा भी सेम है, थीटा भी दोनों का सेम है तो n भी दोनों का, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी दोनों के सेम ही होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? वैसे अगला टॉपिक यही है जो नेक्स्ट क्लास में हमने करना है तो वहीं से होगा, पर हाँ मैंने अपने पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम, वो स्ट्रिंग काट दी और वो रोटेट, सेम क्वेश्चन है, ये नहीं करना अभी।